हेलो दोस्तों, मैकेनिक हियर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। वैसे तो आजकल हम सभी लोग ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करते हैं, पर आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसे पांच तरीके बताने वाला हूँ ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करने के, जिन्हें यूज करके आपको मजा ही आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग है ना बाइक पर अपने ईयरफोन्स को यूज करते हैं कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए, पर यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब अपन बाइक पर होते हैं और सामने वाले बंदे को ठीक से आवाज नहीं जाती, क्योंकि वहां पर एयर का और नॉइज वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। जब भी आप अपने बाइक पर हो ना गाइस, तब अपने ईयर पीस को, जो भी माइक वाला सेक्शन है ना अपने ईयरफोन का, उसे सिंपली शर्ट के अंदर कुछ इस प्रकार प्लेस करो। इससे क्या होगा, आपका शर्ट एकदम फिल्टर की तरह काम करेगा और सामने वाले बंदे को एकदम क्लियर आवाज जाएगी अगर आप बाइक पर होगे तब भी। और यहाँ पर बात आती है ईयरबड्स वालों की, तो बोलेंगे कि यार मैं क्या करूं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप अपने ईयरबड के ऊपर है ना सिंपल हेलमेट वगैरह पहन सकते हो, तो आपका फिल्टर जैसे काम करेगा अपना हेलमेट, और उससे अपना आवाज एकदम क्लियर जाएगा सामने वाले बंदे को। तो यहाँ पर यह है ट्रिक मेरे पास। और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे हेलमेट भी नहीं पहनना और ईयरबड भी पहने, तो यहाँ पर आप अपने हैंड रुमाल को अपने फेस के ऊपर टाई कर सकते हो, देन आपका हैंड रुमाल फिल्टर की तरह काम करेगा और सामने वाले बंदे को एकदम क्लियर आवाज जाएगी। तो यहाँ पर यही था मेरा ट्रिक, जिससे आप अपने ईयरफोन्स को एंड अपने ईयरबड्स को अपने बाइक के ऊपर भी यूज कर सकते हो एकदम क्लियर आवाज के साथ में, एंड कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास है ना गाइस ईयरबड्स होते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या मैं इन दोनों ईयरबड को सेपरेट सेपरेट दो फोन के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं हम इन्हें कनेक्ट? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बता देता हूँ मैं कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने सिंगल फोन के साथ में एक ईयरबड को कनेक्ट किया है, एंड देन मैंने दूसरे फोन के साथ में दूसरे को कनेक्ट किया है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको है ना गाइस सबसे पहले अपने दोनों ईयरबड को अपने केस के अंदर डाल के उन्हें बंद कर देना है, कम्प्लीटली ऑफ कर देना है। देन उसके बाद आपको एक फोन का ब्लूटूथ टर्न ऑफ कर देना है, यहाँ पर मैं इस फोन का कर देता हूँ अभी, एंड देन आपको दूसरे फोन को ऑन करके उसे सिंपली अपने ईयरबड के साथ में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जब भी ये कनेक्ट हो जाए, आपको सिंपल एक ईयरबड को निकालना है उसके केस से बाहर कनेक्ट होने के बाद, एंड देन अपने दूसरे को केस के साथ में ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर दूंगा। इसके बाद बचे हुआ ईयरफोन एंड अपना दूसरा फोन हमें इस पहले वाले फोन के पास से दूर ले जाना है, एकदम दूर, एंड देन उसे वहां पे जाकर कनेक्ट करके देन वापस आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन के साथ में दो सेपरेट ईयरबड कनेक्ट हो चुके हैं सिंपली। तो यही था हमारा ट्रिक, जिससे आप अपने ईयरबड्स को सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हो दो फोन के साथ में। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हो गाइस, एकदम बेहतरीन ट्रिक है ये। मान लो आपके ईयरबड का एंड देन आपके नेक बैंड का चार्जिंग खत्म हो चुका है और आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो आप उसे चार्ज कैसे करेंगे? सिंपली आपको एक यूएसबी केबल लेना है, देन उसे अपने ईयरबड एंड नेक बैंड के साथ में कनेक्ट कर लेना है, एंड देन सिंपली ओटीजी के साथ में आपके फोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा गाइस, आपका ईयरबड एंड आपका नेक बैंड चार्ज होने लगेगा। आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो गाइस। डेफिनेटली आपका ईयरबड वगैरह चार्ज होता है, थोड़ा स्लो होता है पर डेफिनेटली चार्ज होता है, आपको सफिशियंट चार्ज वगैरह मिल जाएगा और आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली एक अलग एंड एकदम यूनिक ट्रिक होने वाला है गाइस, आप इसे भी ट्राई आउट कर सकते हो डेफिनेटली। तो यही था हमारा ट्रिक नंबर थ्री। तो ये वाला कोई ट्रिक नहीं है गाइस, ये वाला मेरी तरफ से एक टिप है गाइस, अगर आप अपने ईयरफोन्स को एकदम सेफली रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक सिंपल सर्कुलर बॉक्स है और इसके अंदर मैंने अपना ईयरफोन रखा है कुछ इस तरह, और एकदम सेफली रहता है गाइस। ये मैंने केस अमेजोन से परचेस किया था 150 रुपीज के अंदर अंदर, और ये मुझे वर्थ इट लगा गाइस। इसके अंदर आप अपने ईयरफोन्स को रखे एकदम सेफली रख सकते हो, क्योंकि कई बार अपना ईयरफोन्स हाथ से वगैरह छूट जाता है नीचे, और इतना महंगी चीज टूट जाए तो हमें दिल से बुरा लगता है यार, मुझे तो लगता ही है। तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, और इसके अंदर आप अपने नॉर्मल ईयरफोन्स वगैरह भी रख सकते हो कुछ इस प्रकार। तो ये डेफिनेटली वर्थ बाइंग होगा अगर आप अपने ईयरफोन्स कैन अपने ईयरबड को एकदम सेफली रखना चाहते हो। हाँ, नेक बैंड इसके अंदर नहीं आएगा, पर अपने ईयरफोन्स कैन ईयरबड को आप डेफिनेटली इसके अंदर रख सकते हो। जब भी कंपनीज अपना नया ईयरफोन लॉन्च करती है, उसके साथ में एक एप्लीकेशन भी डिजाइन करती है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है, उसे आपको सिंपली डाउनलोड करके यूज करना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि बास बूस्ट, इक्वलाइजर वगैरह। और उसके साथ एक स्पेशल फीचर भी आता है, फर्मवेयर अपडेट। आप अपने ईयरफोन्स को भी अपडेट कर सकते हो उस एप्लीकेशन के साथ में। उससे फायदा यह होगा कि आपकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह इंप्रूव होगी, जो भी आपके ईयरफोन्स के साथ में प्रॉब्लम हो गए वो सारे रिजोल्व हो जाएंगे। तो यही था हमारा लास्ट टिप, आपको एप्लीकेशन यूज करना है आपके ईयरफोन के मैन्युफैक्चरर का, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बस यही था आज का वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, उससे मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, उसके साथ बेल आइकन भी दबा देना। देन मैं मिलता हूं आप सभी को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड पीस।